इसका जो टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। मैंने थ्योरी में भी आप लोगों को खैर आइडिया दिया था बस रिवीजन के तौर पे कि तीन वेक्टर्स होते हैं, उनको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हो कि रिजल्ट में आपको एक नंबर मिलता है ए डॉट बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी जो है आपने इसको इस ऑर्डर में पढ़ना है, ए डॉट बी नहीं सॉल्व करना, वो तो फिर सेंस ही नहीं बनेगी ना उसकी। तो पहले आप बी क्रॉस सी सॉल्व करोगे, हमेशा बी क्रॉस सी सॉल्व करने के रिजल्ट में आपको एक वेक्टर मिलेगा, उसका जब आप इस वाले वेक्टर से मैग्नीट्यूड सॉरी डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक आपको नंबर मिल जाएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब तीन वेक्टर को इस तरह मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट में आपको भी नंबर मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट होगा। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप इस तरह लिखो मतलब सॉल्व आपने बी और सी को ही पहले करना है, ये मैटर करता है। लेकिन डॉट और क्रॉस को कहां लगाना, आप इस तरह लगाओ या आप इस तरह लगाओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, डॉट क्रॉस या क्रॉस डॉट एक ही बात है। लेकिन मैटर क्या करता है कि पहले आपने क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, दोनों सिचुएशन में मैटर ये करता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा है ना, आप अपने इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप यहां पे एक और प्रॉपर्टी मेरे जहन में आ रही है, वो मुझे पहले बतानी है क्या थी, वो जहन से निकल गई एकदम से। हाँ, वो प्रॉपर्टी क्या है कि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, आप इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या आप इसको बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो एक ही बात है, कम्यूटेटिव है ना, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है, इस तरह ये लिखो या इस तरह लिखो बात एक ही है। तो इस वाली प्रॉपर्टी का और जब भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि डॉट क्रॉस कहीं भी लगा दो, इन दोनों प्रॉपर्टी को जब जमा करोगे ना एक साथ इनको इस्तेमाल करोगे तो कुछ केसेस आएंगे, उन केसेस में मैं बताना नहीं चाह रहा कि उनके बैक पे हमने क्या यूज किया, ये दो प्रॉपर्टी यूज किए किस तरह यूज किए हैं वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा फिर, इतना भी लंबा नहीं होगा फिर। लेकिन मैं आप लोगों को आइडिया दे दिया कि इन दो प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके आपने सारे रिजल्ट निकालने हैं, और वो रिजल्ट क्या है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो मैंने थ्योरी में ही बताए थे कि ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, ये बराबर है कि फॉर एग्जाम्पल आप बी को बाहर निकालना चाह रहे हो, अभी ए बाहर है ना, तो अगर आप बी को बाहर निकालोगे तो सी आ जाएगा बी की पोजिशन पे और ए यहां पर चला जाएगा, तो ये लिखो बात एक ही है। इसी तरह अगर आप सी को बाहर निकालना चाह रहे हो तो बाहर निकाल लो सी को, ए जो है वो सी की जगह पे आ जाएगा, बी जो है वो एक ही जगह पे चला जाएगा। तो ये तीनों चीजें आपस में बराबर है, कोई फर्क नहीं है इसमें, आप इन तीनों कोई भी तीन वेक्टर गिवन है आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो सेम ही आंसर मिलेगा आपको, कोई फर्क नहीं है इसके। ये मैं बता ही रहा हूँ छोटी छोटी सी चीजें, उनका क्या मैं छुपा के रखूं आप लोगों से। ये था ना ए डॉट बी क्रॉस सी, आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई कि यार वेक्टर जो है कम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, आप ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो एक ही बात है। ये लगाने के बाद ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी जो भी बताई थी, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी लगा दो, क्या बताई थी कि डॉट क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस डॉट लिखा हुआ डॉट क्रॉस लिखो, तो अगर आप ऑब्जर्व करो ये वाली चीज आती है जो मैंने आप लोगों को जुगाड़ बताई थी ना कि बी को बाहर निकालो सीधा चला जाएगा इधर आ जाएगा, उसका कॉन्सेप्ट ये है। जब यहां पे पहुंच जाओ ना, अब दोबारा प्रॉपर्टी लगाओ कि ये कम्यूटेटिव है, आप बी डॉट सी क्रॉस ए लिखो या सी क्रॉस ए डॉट बी लिखो बात एक ही। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप क्या करो, अगेन वही कि क्रॉस डॉट लिखो या डॉट क्रॉस लिखो एक ही बात है। अब देखो अभी वाली आ गई है, ये इसकी वजह कॉन्सेप्ट है। तो इन दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आप इस नतीजे पे पहुंचो कि मैटर नहीं करता इन तीनों में से कोई भी निकालो बात एक ही। हाँ, अगर कोई और पॉसिबिलिटी निकालोगे फिर गलत हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको लिखो इस तरीके से सी क्रॉस बी, अब नेगेटिव आना चाहिए, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस बी एक बात नहीं है, अब नेगेटिव आएगा, इसको ध्यान रखना क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, बी क्रॉस सी सी क्रॉस बी फर्क है, नेगेटिव का फर्क है, तो इसका आंसर में नेगेटिव आ रहा होगा, मतलब जो इसका आंसर आ रहा है ना सेम इसी का आंसर होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो वैल्यूज में फर्क पड़ जाएगा। तो ये वाली चीज इसके बराबर नहीं है, हाँ ये वाली चीज आपस में तीनों बराबर है, तो ये चीज आपको बतानी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज इनका फॉर्मूला क्या होता है, ये जो आपने फॉर्मूले लिखे हैं ना इनको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप बी क्रॉस सी को मैनुअली सॉल्व करो, मैनुअली सॉल्व करने का मतलब अगर आपको ए बी सी तीन वेक्टर्स दे दिए जाए और आपको बोला जाए कि ये निकालो ए डॉट बी क्रॉस सी, तो दो तरीके, आप पहले बी क्रॉस सी निकालो, जो वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट निकालो ए से, हो गया सवाल सॉल्व, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो इसको, कि ए वेक्टर को पहली रॉ में लिखो आई जे के कंपोनेंट, बी को दूसरी रॉ में लिखो। सर इसकी रिकॉर्डिंग आप दोगे?
उसमें हाँ मिल जाएगी तो अभी नहीं तो अभी लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है इसकी, आप मैं रिकॉर्डिंग देख लूँ। हाँ ठीक है, लेकिन एक बार मान लेगी एग्जाम में। ठीक है। अच्छा तो दो तरीके हैं, या तो आप इनको पहले निकाल लो फिर आप डॉट प्रोडक्ट निकालो एक से, एक ही आंसर आपको मिलेगा, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको एक डिटरमिनेंट में पुट करो, ए को पहली रो में, बी को दूसरी रो में, सी को तीसरी रो में, सेम आंसर आपको मिलेगा। इसी तरह बेशक आप इनको भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, एक ही बात है, बस आपको फर्क नजर आएगा रोज आपस में इंटरचेंज हुई भी होंगी कि बी सी ए लिखोगे तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी आपको पता है, ये तीनों एक ही डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, बस इंटरचेंज करना रहो आपस में, ये चीज आ रही होगी, कोई फर्क नहीं होगा। ये थ्योरी में ही मैंने बात क्लियर की थी, दोबारा मैं नहीं बता रहे। तो दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तरह आप स्केलर टेबल प्रोडक्ट निकालते हैं, और तीसरी चीज नोटेशन भी होती है थोड़ी, ए डॉट बी क्रॉस सी को इस तरह भी लिख सकते हो, आप इस तरह भी लिख सकते हो कि पहला दूसरा तीसरा, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और ए बी सी इस तरह लिखो, या आप कॉमा ना भी लगाओ तब भी बात सही है, जगह छोड़ के लिखो, ये भी नोटेशन होती है इसकी, तो ये नोटेशन भी होती है, ये भी होती है, और ये इसके बराबर है। ये छोटी छोटी बातें जो मैंने दोबारा रिवाइज करवा दी है, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बस इन क्वेश्चन में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा एक और फॉर्मूले आपने पढ़े थे, दो चीजें थी, एक था वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइपेट, थ्योरी में बताया था, पैरालेलो पाइपेट का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूले के लिए, ये जो आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हो ना, ये वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइपेट ही होता है। दूसरी बात, एक था वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, चलिए ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्केलर टेबल प्रोडक्ट को आप 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 से डिवाइड करना कौन सी बड़ी बात है, तो जब सवाल आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला मैं फाइंड द स्केलर टेबल प्रोडक्ट, यार ये मैंने कहा था बहुत ही बच्चों वाला है, बाकी सवालों में आपको यही काम करना है। स्केलर टेबल प्रोडक्ट में आप देखो तीन वैक्टर गिवेन है, आई प्लस 2 जे प्लस 3 के पहला वैक्टर, दूसरा वैक्टर है माइनस 1 माइनस जे प्लस के, और तीसरा है आई प्लस जे प्लस के। कोई बड़ी बात नहीं है, पहले वैक्टर को पहली रॉ में लिखोगे, दूसरे वैक्टर को दूसरी रॉ में, तीसरे वैक्टर को तीसरी रॉ में, इनको सॉल्व करना पूरे डिटरमिनेंट को, आपके पास स्केलर टेबल प्रोडक्ट आ जाएगा। दूसरे सवाल में भी यही काम करना है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूं। दूसरे सवाल में आपको ये बात बोली है, तो अगर आपको कोई याद हो एग्जैक्टली वही नोटेशन है, इसमें फर्क क्या है लिखने का तरीका था, अगर आपको याद हो मैंने अभी बताया था स्क्वायर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो, ये पहला वेक्टर होता है, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। तो सबसे पहले आप इसी चीज को कॉपी करो, ठीक है, ये बराबर है इस पूरे डिटरमिनेंट के, कि पहले वेक्टर को पहली रो में पुट करो, अब देखो इसका आई कंपोनेंट 1 है, जे कंपोनेंट भी 1 है, और के नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब के की जगह 0 पुट कर दो, इसमें जस्ट आई कंपोनेंट है, जे और के नहीं है तो 0 पुट कर दो, इसमें आई 1 है, जे के साथ माइनस 1 है, के साथ, तो ये पूरी चीज को हम डिटरमिनेंट के जरिए से सॉल्व करते हैं। अब आपने इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना, बेस्ट तो तरीका ये है कि आप इसको रॉ 2 से एक्सपेंड कर दो, क्योंकि रॉ 2 में 2 0 है, तो एक्सपेंड फ्रॉम रॉ 2, रॉ 2 में एक ही एलिमेंट है 1, और इसके साथ नेगेटिव आएगा साइन, आपने डिटरमिनेंट के अंदर देखने होते हैं, मैंने डिटरमिनेंट में बताया था इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसी तरह सेकंड रॉ में क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो 1 के साथ माइनस आएगा, डिटरमिनेंट के अंदर बताया गया। तो इस रॉ और इस कॉलम को डिलीट करोगे, पीछे बचेगा 1 0 माइनस 1, जरा सॉल्व करते हैं, 1 को 1 से करो 1, ये तो वैसे 0 हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा -1। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करोगे। थ्री में बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट, मतलब वही वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट का मतलब आपको यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको तीन तीन वेक्टर गिवन है, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ बाकी आपको सॉल्व कर लेना। तो 3 के पार्ट 1 में फॉर लेट कर लेना, पहले वाले को आप ए का नाम दे देना, दूसरे वाले को बी का नाम, तीसरे वाले को सी का नाम, लिख देना पूरा। सॉल्यूशन पे आना, आप लिखना वॉल्यूम ऑफ पैरालेलो पाइपेट, जिसको हम वी का नाम देते हैं, वो किसके बराबर होगा, अगेन स्केलर टेबल प्रोडक्ट आपको निकालना है यहाँ पे, और वो क्या होगा कि पहली रॉ में आप पुट करोगे, अगर आप जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो लिख दो कि a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, उसके बाद आप क्या करना, फॉर्मूला मेंशन करने के बाद अब आप वैल्यूज पुट कर देना। पार्ट 1 में जो पहला वेक्टर है वो है 3 2 माइनस 1, थ्री आई 2j माइनस k, आपने बस आई जे के साथ जो लिखा होता है उसको लिखना होता है। फिर दूसरा है 1 माइनस 2 1, और तीसरा है 1 2 माइनस 4।
बस बच्चों इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, जो भी वैल्यू आ रही होगी वो रिप्रेजेंट करेगी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड। बिलफर्स अगर किसी सिचुएशन में आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है तो लिख देना कि सिंस वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम नेगेटिव नहीं हो सकता। ये बुक के एग्जाम में भी एक सवाल करवाया था जिसमें नेगेटिव आ रहा था, कहां पे? हां, ये पेज नंबर 118 के ऊपर है कि जब आपने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकाला पेज नंबर 118 तो वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा था, तो उन्होंने मेंशन किया है कि सिंस वॉल्यूम इज ऑलवेज पॉजिटिव देयरफॉर आप क्या करो इसका मॉड ले लो। मॉड का मतलब अगर इसके आंसर में फॉर एग्जाम्पल -12 आ रहा है तो आप क्या करो आप इस वैल्यू का मॉड ले लो। मॉड के आंसर में आपको पता है पॉजिटिव ही होता है, तो हमेशा वॉल्यूम पॉजिटिव ही होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। सही, तो हाँ ये सिचुएशन आ गई। अगर नेगेटिव आ रहा हो इस सवाल में तो पॉजिटिव ही आएगा। मैं वैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पेपर में उन्होंने सवाल चेंज कर दिया, अगर नेगेटिव आ रहा हो तो फिर ये काम करना कि जो भी आंसर आप लिख देना कि सिंस वॉल्यूम पॉजिटिव होता है देयरफॉर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना, मॉड ले लेना उस वैल्यू का, जो पॉजिटिव आंसर होगा वो वॉल्यूम का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हूज वर्टिसेस आर। अब देखो नॉर्मली अगर आपको तीन वर्टिसेस चाहिए होते हैं, तीन वर्टिसेस होंगे तो आप पैरेललोपिपेड या टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकाल लोगे। भाई ये वॉल्यूम था पैरेललोपिपेड का, टेट्राहेड्रॉन का ये वाला फॉर्मूला होता है 1/6 ABC, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड कर दो। लेकिन इन दोनों फॉर्मूले में ए बी सी आपको बताना चाहिए, तीनों वेक्टर आपको बताने चाहिए। तो अगर आपको तीन वेक्टर नहीं पता, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने पॉइंट्स आपको दे दिए, वेक्टर नहीं दिए पॉइंट्स दिए, तो अगर आपको याद हो ये जो पैरेललोपिपेड या टेट्राहेड्रॉन ये 3 डायमेंशन में बनता था, तो यहाँ पे तीन वेक्टर आप बनाते हैं। मैं हल्की सी डायग्राम बल्कि आप लोगों को बुक में दिखा देता हूँ। बुक में अगर आप आओ पेज नंबर 118 के ऊपर, तो 118 के एंड पर उन्होंने टेट्राहेड्रॉन बनाया था। तो देखो टेट्राहेड्रॉन की तीन साइडेड, उन्होंने तीन साइड डिस्कस की है उन्होंने, एक है ओ से लेके ए तक, एक है ओ से लेके बी तक, एक है ओ से लेके सी तक। तो टोटल 4 पॉइंट है, एक पॉइंट को उन्होंने रेफरेंस बनाया हुआ ओ को, कि ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, ओ से लेके सी। तो ये तीन वर्टिसेस, तीन वेक्टर अगर आपको सवाल में गिवन है तो फिर तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करते हो आंसर निकाल लेते हो। लेकिन अगर ये तीन नहीं गिवन तो आपको पहले तीन वेक्टर निकालने हैं। और कैसे निकालोगे? 4 में आपको पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी, तो ए को हम नॉर्मली रेफरेंस मानते हैं, आप बी को भी मान सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ए को आप फिक्स करो और आप बोलो एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए सी, एक वेक्टर है ए डी। ये तीन वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ए बी का फॉर्मूला होता है बी माइनस ए, ए सी का फॉर्मूला होता है सी माइनस ए, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी माइनस ए। जब आपके पास ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे फिर आपकी लाइफ इजी है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो भी तीन वेक्टर आएंगे इनका आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लोगे, मतलब ये डिटरमिनेंट में पुट करोगे। अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो तो इस तरह लिखोगे सवाल में 1/6 AB·AC·AD, जनरलाइज फॉर्मूला ये होगा इसका। लेकिन आप इसको उस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना, सब पहली रॉ में ए बी पुट कर देना, दूसरी रॉ में ए सी, तीसरी रॉ में ए डी, और डिटरमिनेंट के बाहर आप 1/6 लगा देना। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन में 1/6 आ रहा होता है, और बाकी जो तीनों वेक्टर हैं ये आप पुट करना, सॉल्व करना, एंड पे आप 6 से डिवाइड करना, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम निकालोगे। तो थ्योरी में डिस्कस किए हैं मैंने, सबको मस्त ये सारे सवालों में एक ही काम करना है, कोई फर्क नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है और क्वेश्चन नंबर 7 में बोला हुआ है, 5 में बोला हुआ है कि शो करो कि वेक्टर स्कोप प्लेनर है। मैंने बताया था कि अगर वेक्टर स्कोप प्लेनर हो तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 0 होता है। सिंपल लैंग्वेज में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है, कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने बोला हुआ है कि प्रूफ करो स्कोप प्लेनर है, आप क्या करना, सबसे पहले इन तीनों वेक्टर को नाम दे देना, पहले वाले को ए, दूसरे वाले को बी, तीसरे वाले को सी, ठीक है। फिर आप वहां पे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड निकालना, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर्स को आपस में पुट कर देना, पूरा वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम आपके पास 0 आ रहा होगा, लिख देना कि सेंस वेक्टर्स का वॉल्यूम जैसे 0 आ जाना, तो दैट्स इट, लिख देना एंड पे कि सेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 देयरफॉर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्योंकि ये रूल है पूरा कि जो पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम अगर 0 आ रहा है इसका मतलब वेक्टर्स सारे कोप्लेनर है। तो आप किसी तरह जैसे वॉल्यूम निकाला है ना आपने, इसी तरह वॉल्यूम निकालना, एंड पे वो 0 आ रहा होगा, लिख देना सेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 देयरफॉर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। सवाल हो जाएगा आपका।
और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला हुआ कि शो करो कि को प्लानर नहीं है, ये तीन वेक्टर को प्लानर नहीं है, तो एग्जैक्ट यही काम करना है। इसी तरह वॉल्यूम निकालना है, एंड पे वॉल्यूम जीरो नहीं आ रहा होगा, कोई और आ रहा होगा, तो लिख देना है कि सिंस वॉल्यूम इज नॉट इज इक्वल टू जीरो देयरफॉर वेक्टर्स आर नॉट को प्लानर। तो 5 और 7 आप लोग इस तरह कर लोगे आसानी से बिल्कुल हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा, कहीं इशू हो तो मुझसे पूछ लेना। अब जरा हम 6 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। कंडीशन ये है 6 में कि वेक्टर्स जो है वो को प्लानर है, इस कंडीशन को लग के आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। तो अगेन आप चुप करके वॉल्यूम निकालो, इन सब सवालों में वॉल्यूम आपने निकालना है सबसे पहले। वॉल्यूम का फॉर्मूला पूरा लिख देना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट करना, 1, 1, 2 फिर लैम्डा -1, 1 फिर 3, -2, -1। अब जरा वॉल्यूम निकालते हैं, रॉ 1 से एक्सपेंड करो आप इसको, फाइनली आपके पास वॉल्यूम क्या आएगा, लैम्डा -4 लैम्डा, ये हो जाएगा -3 लैम्डा, 3 + 3 = 6, 6 + 6 = 12, वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब आप लिखोगे कंडीशन क्या गिवन है, सिंस वेक्टर्स आर कोप्लेनर, कि सिंस वेक्टर्स कोप्लेनर है देयरफॉर उनका वॉल्यूम क्या होगा, 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया था आपने, वॉल्यूम निकाला था, 0 आ रहा था, एंड पे लिख देना कि सिंस वॉल्यूम 0 वेक्टर्स कोप्लेनर है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूफ करना था कि कोप्लेनर नहीं है, आपने वॉल्यूम निकाला और एंड पे बोल दिया कि सिंस वॉल्यूम 0 नहीं है देयरफॉर वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं है। 6 में क्या करोगे, वॉल्यूम निकालने के बाद कंडीशन का इस्तेमाल करो, कंडीशन दी हुई है कि वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो आप बोलो अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, और ये जो वॉल्यूम है इसको 0 के बराबर रखो, इसको सॉल्व करो, 12 को ले जो -12 हो जाएगा, यहां से लैम्डा निकालना, लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी, इस तरीके से आप सॉल्व करो। तो अब आपने कोप्लेनर की कंडीशन रखी, वॉल्यूम को 0 के बराबर रखा और वहां से आपने लैम्डा निकाल लिया।